गाइस, तो कल एक छोटा सा ग्लिम्स पे रिएक्ट किया जो प्रोमो में था, पर आज मैं फुल जर्नी पे रिएक्ट करने वाली हूँ मुनव्वर की। एक्साइटेड। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। ये किसके कहे हुए शब्द है मुनव्वर? बिग बॉस, ये मेरे कहे हुए शब्द है और आपने इस शब्दों को बोला है। मेरा मकसद सब कुछ खत्म। मेरी शायरी बिग बॉस ने बोली है गाइस। बिग बॉस, यही लाइंस में मैं अपनी लाइंस और ऐड करके इसको चार चांद लगाता हूँ। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तुम तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जमीन पे भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। कहते हैं सारा का सारा खेल इंसान के अपने ही दिमाग का होता है। जिंदगी में हर चीज दिमाग से ही होती है, हर चीज दिमाग में ही होती है। आप हारते भी अपने ही दिमाग में हैं और आप जीतते भी अपने ही दिमाग में हैं, और आपने बिग बॉस के इस सफर को बखूबी अपने दिमाग से पढ़ा है और अच्छी तरह पूरी तरह इसे जिया है। दिमाग से खेल रहे मुनव्वर को ऑफ ट्रैक करने बाहर का एक रिश्ता इस मोहल्ले में जरूर आया, लेकिन इस मोहल्ले के अंदर के दिल से बने सच्चे रिश्ते मनारा अभिषेक फिर भी आपके साथ ही खड़े रहे। कभी मनारा के साथ हुई दोस्ती, कभी विकी और अंकिता के साथ खेल के शुरुआती दिनों में आपका बॉन्ड, सब अच्छी तरह याद है हमें मुनव्वर। लेकिन फिर आप ही के कुछ शब्द दोहराऊंगा। खुशबू सामने थी, मैं पहचानता नसल कैसे, गया फूल लेने, कांटे सारे तोड़ लाया। आपकी ये पंक्तियां और आप ही का हाल मुनव्वर, आपकी शायरी की तरह इस बहुत बड़े सफर को मैंने थोड़ा संक्षेप में दिखाने का एक प्रयास किया है। आइए इसे एक बार साथ में देखते हैं। तू चाहे मैं बनूं पहला प्यार तेरा। आपकी एक एक्स गर्लफ्रेंड है, एक को आपने स्टैंड बाय पे रखा है, आपकी एक एक्स वाइफ और रिश्ता भेज के आए थे सर। मैं मैखानों का शराबी, तू ना पहला जाम मेरा। दो महीने में पांच पांच लुट चुका पूरा बाजार में। लोगों को बस म्यूजिक वीडियो बोल बोल के इस तरीके का डिसरिस्पेक्ट ना, जो मर्द करता है ना उसको लात पड़नी चाहिए। जो बेकरार खुद तुझे क्या करार देगा। जर्नी का विटनेस बनना है या जर्नी को चेंज करना है, वो हीरो डिसाइड कर। नील जो किसी बॉलीवुड एक्टर से कम मुझे तो नहीं लगता। विकी और हमें लगता है नील भाई भी डायलॉग बोलेंगे, लेकिन नील भाई करते Oh, my God.
के तू टेंशन मत ले, जिससे भिड़ना है भिड़, लेकिन मैं दिमाग ऐसा चलाऊंगा ये जो गेम है। अंकिता घर पे बैठी है, कलर्स चालू करेगी। विक्की भाई सना तो मेरी बात समझी। मोहब्बत के जाम पिलाने वाला साकी हूँ मैं, लबों पे हंसी लाने के लिए अकेला काफी हूँ मैं। रेत हूँ मैं, मुट्ठी में लोगे तो फिसल जाऊंगी, धूल कहोगे तो आंखों में बस जाऊंगे। धूल की मत बात कर, रख लूंगा मैं तुझको काम पे। लड़ता जंग सिपाही वॉर निकालो मेरे नाम से। गेम खेल रहा हूं अनुराग ट्रॉफी को कुए मैं नहीं मानूंगा। आप करो तो ठीक, हम करे तो ना ठीक। तेरे को मैं जोक लिखने वाला हूँ, बट जोकर मत समझियो, ये क्यूट फेस है ना ब्लफ है, इसको पोकर मत समझियो। जीरो एक्सपेक्टेशन रखिएगा मेरे से, बट मैं सामने से मारूंगा गोली। बटा कोयला का ये मेरे उसी की धुन पे मिला चंबल। अबे तू चल, अबे तू चल बे, टॉप पे हद से फिर भी हम्बल हूँ। अबे तेरे ज्यादा वजन मेरे हेलमेट में, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम में कम करो। किंडरगार्टन है तुम यहाँ पे आए, तुम्हारे को अच्छा नहीं लग रहा बोले दरवाजा खोल दो। आ जाओ भीड़ लेके सारे, मैं रॉयल रंबल हूँ। तुम्हारे साथ वो सोफे पे बैठ के हम गए को जिल्लत में बैठे भाई। लड़ने की बात कोई तुझसे करे तो भाई बकरे की मम्मा कब तक खैर मनाएगी। मुंह पे तो हंस दिया कर। मोस्ट वांटेड इन द गेम है इनाम मेरे सर, ये जंगल में शिकारी ना तो ये जंगल पूरा मेरा लगा लगा की बेटी है। चंदा चित्र को बंदूक चलाने को नहीं जा बंदूक खुशबू सब में थी मैं पहचानता नस्ल कैसे गया फूल लेने कांटे सारे तोड़ लाए। तुम ये लो उस कमरे में सबसे ज्यादा। धीरे धीरे बढ़ने लगी जान कैसी है दोस्ती। कुछ कुछ चीजें जो तुम्हें तंग कर रही, तुम्हें परेशान कर रही, तुम्हें इमोशनली ड्रेन कर रही है, उन चीजों से बच जाओ। एक दिन में मैंने क्या क्या सीखा आपसे सीरियस। थोड़ा थोड़ा मैं तुझ सा तू मुझसे है होने लगी। Men do what they got to do. Men got to do what they men got to do. No, no, no. Men got to do. Men do what men got to do. तेरे जैसी ढूंढू मैं मिलती नहीं है, घड़ी वक्त की तेरे बिना हिलती नहीं है, ये सारे लुटाते मुझ पे खुद को, बस तेरे ही आगे मेरी चलती नहीं। तेरा बार का स्टेटस क्या है? I was in a marriage, got divorced also, 2 साल से I am with someone, और वो चीज है वहाँ पे। इन सब के बीच में अगर कोई बेस्ट चीज अगर मेरी लाइफ में तो I have a son. मुझे मत देना गाली, नहीं तो मैं ऐसा ऐसा बोलने लग जाऊंगा ना, आप रोने पे मजबूर हो जाएंगी। अगर मैं रोऊंगा मतलब मैं सही हूँ। तूने मुझसे लड़ना है, तुझे मुझसे लड़ना है। तेरे से नहीं लड़ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ। मैं तुझे वापस समझा रहा हूँ। उसने वर्ड टू वर्ड ये बोला, अगर अगर आप नहीं साथ देना तो आप मैं साथ नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं साथ नहीं दे रहा हूँ। एक बार भी समझा रहे हो, मैं तेरे को हमेशा सही करने की कोशिश करूंगा, एंड जब मैं गलत हूं ना तो तू मेरे पास आके मेरे को सही करने की कोशिश कर ना कि ना कि तू ये कर। यारी तेरी यारी चल माना। एक मेरे को मेरी पोजीशन तो पता करवा दे। मनारा से नीचे बस एक बार बोल रहे, मनारा ही गलती नहीं थी ना, 1% गलती नहीं थी भाई, तेरी गलती थी, मैं तो यही बोलूंगा। सारी मेरी फिक्रें क्या बात, वेरी नाइस प्ले भाई, प्लीज हग मी। आगे हारी जब आप बाहर निकलोगे ना आपको पता चलेगा कि मैं उसके लिए पागल था। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को लग रहा है मैं खुद से बात कर। इस रंगी दुनिया के संगी हम ना होते यारा। मेरे दिल पे अभिषेक का नाम लिखा हुआ है। अभी चेंज कर, कुत्ते मत बोले साहब। मुनव्वर आपका अभिषेक के साथ क्या स्टेटस है? कॉम्प्लिकेटेड। मैं नहीं मानूंगा, ये कोई मतलब नहीं है।
आज आपको अपने मकान के दो सदस्यों का नाम मुझे बताना होगा जिन्हें आप नॉमिनेट करना चाहते हैं। मनारा, यस मनारा। मैं आपको नॉमिनेट करना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत ही फ्लक्चुएट करते हो। मनारा को मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा, आई नो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हियर। आपकी चाट नहीं है तो चाट है, मैं तो चाट नहीं सकती जिंदगी। एक मिनट, वो मेरी चाट रहे कहां से बीच में है? उनको जेलेसी है, मैं आपसे बात कर रही थी। आई विल नॉट टॉक टू यू फॉर वन वीक, नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप बोल रहे ना कि आप मेरे से बात नहीं करोगे वो दोनों की वजह से? आई रियली वांट दिस, यू नो। उन लोग को जो पसंद होगा वो तुम करोगी। वो बनाए आपके लिए। क्या बनाए? ये बनाए आपसे सपोर्ट ले। अरे बट उसका उससे क्या लेना देना, तुमको जो भी लगता हो मेरे को नहीं फर्क पड़ता। जाने कैसे बढ़ गए यूं फासले दरमियां, याद है क्या दिन वो जब थे तुम खास मेरे, याद है क्या वो दी जन्नत मैंने अब सुकून की चाह, ठोकर बिना मंजिल ले चले वो राह, दगा है सब न मैं लौट के जाऊं कहां, घर पे इंतजार करने वाली माने साथ हम क्यों नहीं। बस फिगर आउट कर चुका हूँ कि जो अभिषेक की गलतियां जो मैं अनदेखी कर देता था। मनारा जो बोल रहा है वही तुम कर रही हो। और इसके अलावा मनारा से मुझे बहुत ही अजीब वाइब आती है। I'm feeling harassed here. You, you're including me in that See, nine people. That's what I'm telling. How stupid it is. और मैं उस चीज को अब एंटरटेन नहीं करना चाहता। सलमान खान ने आपको जो बोला ना वो ये था कि आप नॉन कमिटेड हैं। बाहरी दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नॉन कमिटल बुलाते हैं। चलिए बताइए, इतना याद किया आपने क्यों जाना पड़ा? I had a good time with you and I'm not forgetting that. शो में तो रिलेशनशिप में हो आप कह रहे हो? हाँ, बेसिकली आपने जो शो पे बोला कि आपकी गर्लफ्रेंड है वो झूठ बोला, तो फिर जो आपने मुझे चीजें बोली थी वो झूठ थी? आप टू टाइमिंग नहीं कर रहे थे? नहीं, मैं ना प्रूफ। लिसन मुनव्वर, आई लिसन लिसन I don't have anything to give. There's nothing to give. Why would you approach me? Because वो दोनों तरफ से। नहीं नहीं नहीं। When we were sitting on your couch, when things happened, it was from your side. It was from. No, it was from your side. Wait, were you like dating? You guys were dating? Yeah, we had a thing. No, but he's already dating someone. Yeah, so he said na abhi ki that wasn't true. That's a true. And you know you have done her dirty. Didn't you say I love you to me? I shall listen. Yeah, yeah. You did, right? Yeah, of course I did. Will I not feel hurt about it? गर्लफ्रेंड है जिसने उसके लिए कल कपड़े भी भेजे हैं। नहीं, कपड़े तो फर्स्ट ऑर्डर ही भेजेंगे। मुझे पता है उसने नहीं भेजे। But I'm pretending that I'm dating her. सिर्फ मेरी और उसकी बात होती ना तो मैं शायद ये कॉन्वर्सेशन सुन लेती। There were other women involved. तो आपकी एंगेजमेंट डेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा ब्रेकअप हो चुका है बट मैंने शो पे नहीं रिवील किया कि उसने मेरे कपड़े भेजे कल नाजिला। And he said, I'm sure it's from नाजिला। कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे नहीं पता। My God. शॉर्ट चल रहा है फिल्म का और एकदम बैठ के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबकी लाइफ में सब कुछ है अपना हिस्ट्री लेके ले। सब अभी बता रहे होंगे ना उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक सिचुएशन आई है और डील करेगा ना, जितना तुम लाइफ में डील किया है। I'm seeing this view in front
आपको कभी माफ नहीं कर सकती फॉर व्हाट यू डिड। खुदा क्यों उठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे, क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। Hey, Khuda, please did you do this in a time? You're cheating on your audience. Oh, but I don't think so this man has the emotions at all. जिंदगी सब हो जाएगा। मैं तो ट्रॉफी डोंगरी लेकर जाऊंगा, लेके जा देख, मैं तो ट्रॉफी कलम गोली लेके जाऊंगी। खैर उसके साथ घूमना नहीं चाहिए। और देखो अभी हंसने मान लो यही फुटेज लेके रोना गाना नहीं है। क्या हो? किसी ने समेटा भी हमें तो सिर्फ जलाने के लिए। मेरी बेबसी का बयान है, बस चल रहा ना इस घड़ी। किसी और इंसान से बात कर रही हूँ। अच्छा ये टॉन टॉन चालू है मेरे को पता। मेरी बेबसी का बयान है। बिग बॉस बोलेंगे इसको भेजा था अपने लिए जस्टिस मांग में, ये लड़के से कह रही वाइट शर्ट पहन। लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। मुनव्वर को भी नहीं पता वो कर क्या रहा है। इसकी तो बहुत ज्यादा कॉल आउट करने वाली है, इसकी तो बॉडी लैंग्वेज आपको समझा होगा। अरे पर खा लो, डोंट फील खाने की मैं यहाँ पे ना बात करना चाहता हूँ, ना जस्टिफाई करना चाहता हूँ, ना शायद बाहर जाके भी कभी कर पाऊंगा। जितने रिश्ते आपने इस घर में बनाए हैं ना, वो सब कैलकुलेटेड थे, इसीलिए आप करेक्ट मैनेज कर पा रहे थे। जब बाहर से एक इमोशनल टर्मोइल इस घर में आया, उसके बाद मुनव्वर कैसे 24 घंटा उस इंसान के साथ घूम रहा है। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है लोगों के मन में। छोटा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में अभिषेक जिंदगी में देखा। मकसद क्या है इस शो में आने का? सर अपोलॉजी चाहिए थी मुझे उस चीज के लिए। अपोलॉजी आपको नेशनल टेलीविजन पे चाहिए थी, आपको इस प्लेटफॉर्म पे दिखना था, आना था, इसीलिए आप यहाँ पर आई हो। आप मुनव्वर के लिए एक 1% नहीं आई हो। और अगर इसकी बात ये समझ में नहीं आती इसको, तो इससे बड़ा बेवकूफ नहीं है। झगड़े हरे के बीच में होते हैं यार, लेकिन ऐसे नेशनल टेलीविजन पर एक शो में आके नहीं होते मुनव्वर। जिस तरह आपका रिश्ता दिख रहा है, वो नाराजगी वाला रिश्ता दिख ही नहीं रहा है। इट इज सिंपल यूज।
मुझे शक्ल नहीं दिखाना अपनी मुनव्वर, प्लीज आज के बाद जिंदगी में अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे क्लियर हुआ वीकेंड के वार पे, उसके बाद मेरे बिहेवियर में डेफिनेटली चेंज आया, मुझे समझ आया जो चीजें जो मैं कंफ्यूज था, तो आई थिंक आप डिजर्व नहीं करते यहाँ पे। अब माफी से पहले मुझे सजा उस चीज की मिल चुकी है, तो आई थिंक वी आर डन। आपकी एक एक्स वाइफ और रिश्ता भेज के आए थे सर बाहर, एक लड़की को, इन्फ्लुएंसर है बहुत नामी। Enough. You are a liar and I will speak about it. You know what you have done to me and if I'm not speaking about it, shut up. ठीक है, अभी मुझे नहीं इन्वॉल्व करना कुछ लोग। अब आप बोलेंगे भी नहीं क्योंकि आपको पता है ना और चीजें बाहर आ जाएंगी। आप जाइए बाहर जाइए। मैं बात करना चाहता हूँ लेकिन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, बाकी के लोग बाहर के, इसलिए मैं चुप। The reason you gave your girlfriend to be in touch with me? सुनिए, really how cheap? गर्लफ्रेंड थी ना तुम्हारी क्योंकि के साथ आप कडल करते थे शो पे, ये दो महीने के ड्यूरेशन में इससे भी चल रहा था, इससे भी चल रहा था। ओफो, दो महीने में पांच पांच। लॉट ऑफ पीपल एंड दे आर, वो लोग उसकी गवाही है। हाउ आई बिहेव, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। This is use and throw. Emotionally, जैसे भी आपको जब मेरी जरूरत थी आपने मेरे को अपनाया, जब आपको ऐसा लगा हो गया अब तो और भी लोग हैं, आपने मुझे धक्का मार दिया यार। मैं को विश्वास है तुझे बोल रही है ऐशो, और इस तरीके का disrespect ना जो मर्द करता है ना उसको लात पड़ दी चाहिए। मुन्ना ने बहुत गलत किया है, shame on him. जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार। किस तरह से आप तने रिश्ते निभाते हैं, कितनी हिपोक्रेसी से, डिप्लोमेसी से, गुड थिंग राइट? और हेट इज द वर्ड, आई हैव हेट फॉर हिम। मुझे छोड़ दो, सीधा चेहरा आप दिख रहा है। आपको जितना ब्रूटल होना है आप प्लीज जाइए, आप भी दिखाइए कि आप ऐसे हैं। मुनव्वर जब जहां खड़े होते हैं सामने जो चीज रहती है उसको अटेंड करते हैं। सामने उस टाइम पे मनारा थी, ये वहां थे, जैसे ही आयशा आई ये बाहर रह गए। विक्की भाई गुड जॉब, एक ग्रेट लॉयर। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखा है तो आपने रिलेशनशिप चीट किया है। आई एम प्रोटेक्टिंग समथिंग जो सामने वाला अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा था। आपको फिर ऐसा क्यों लगा कि आप मेरे को 100% क्यों नहीं दे पा रहे थे? मुझे बस यही लगा मैं नहीं निभा पाऊंगा। जेन्युइनली आयशा आई हैव हर्ट यू, मुझे प्लीज माफ कर दो। आपको चाहिए मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप प्लीज इस वक्त माफ कर दो। मैं इस वक्त कौन सी पोजिशन में हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम लोग को अल्लाह का वास्ता, मेरे पे रहम आए तो कर दो, या मेरे हालात पे अगर तुमको रहम आए तो मेरे को माफ कर दो। मेरा भाई पूरे घर का पावर है, सबको रुलाया है तूने, सबको रुलाया है मेरा भाई। काय को जस्टिफिकेशन दे रहा है, सबको क्यों दे रहा है? अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरह से खुल के सबके सामने ताली दुआ से बचती है, ध्यान रखना। आसमान मुनव्वर इज द न्यू कैप्टन। इस मोहल्ले के पहले कैप्टन मुनव्वर को ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा। अनुराग
का मुझे कभी गेम दिखा नहीं, और दिखा तो भी समझ आया नहीं। जब बोलते हो ना मैं सीख रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे हजम नहीं। चमक नजर आ रही है मुनव्वर में। यू हैव ए इंटरनेशनल फेम जो आज तक किसी को नहीं मिला, जो आपको मिल रहा है। अभिषेक को घर में बुलाना चाहिए। यस भाई, बिल्कुल आना चाहिए। ये वो बैंगन है जिसको लगता है जमीन में पंच मारने से पेट्रोल निकलेगा। ये बैंगन, ये थाली का बैंगन था। आपके बिहेवियर की वजह से मैंने कितने रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज किया है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता कि मुझे 2-3 लोग लगे मेरे साथ बोलने के लिए। चिड़िया उड़ गई, कुछ पेड़ बचे है, शाना इधर इधर कुछ डेढ़ बचे है, बकरी तो मैं खा गया कब का, अब लगता है थोड़े भेड़ बचे। सच तोलने को उंगलियां उठाए जो है खुद झूठे मुझे तोड़ने को, जरा बताओ इन्हें किस रब का बंदा जो एक रास्ता बंद करता है हजार खोलने को। मनारा बोल रही थी कि मुनव्वर शांत हो गया जर्नी वीडियो देख के आने के बाद, तो इट इज लाइक अब इतनी सारी चीजें देख ली, लाइक सीरियसली ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें फेस कर ली, लाइक मेरे से तो ज्यादा ही पावर है मुनव्वर में। अगर मैं ऐसे जगह पे सिचुएशन में होती तो मैं पता नहीं मैं क्या करती अपने साथ, यू नो। हाँ, मुनव्वर ने गलत किया आयशा वाली चीज एंड ऑल, बट ये जो नेशनल अगर वो नेशनल टेलीविजन पे प्रपोज करता तब ये नेशनल टेलीविजन पे आके एक्सपोज करती या सॉरी मांगती तो फिर भी वो जस्टिफाइड था। नेशनल टेलीविजन पे तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं है एंड देर वॉज अ थिंग नॉट इवन रिलेशनशिप, और फिर इतनी सारी चीजें हुई जो कि दोनों के साइड से गलत थी। जस्ट अ थिंग में इतने आगे नहीं जाना चाहिए किसी ने भी, लाइक एज मेरी सोच है मुझे ऐसा लगता है कि इतने आगे के स्टेप्स नहीं लेने चाहिए किसी ने भी। ओके, तो बाय द वे अभी इस बारे में क्या ही बात करना, आयशा इज आउट ऑफ द शो एंड जो भी हुआ हो गया, बट एज अ पर्सनैलिटी मुझे लगता है मुनव्वर इज सो स्ट्रांग कि वो फिर एक बार खड़े हुए। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं उनके जगह होती तो आई डोंट नो मैं कैसे बिखर जाती, क्या करती, नहीं ऐसा। एंड पूरा जर्नी वीडियो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मैं मूवी देख रही हूँ, अप्स एंड डाउन्स, लव स्टोरी, दोस्ती, सारी चीजें हुई यार इसके अंदर। फनी पार्ट पहले पहले बहुत मुनव्वर का दिखाई देता था, बाद में वो कम हो गया। शायरी, रोस्ट और सारी चीजें, मतलब लिटरली मजा आ गया। आपको और किसी की जर्नी वीडियो पर रिएक्शन देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाले सा, बाय।